दोस्तों ये है बैंड्रा का ताज होटल। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल भाग दौड़ नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है मन्नत, शाहरुख खान का घर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सपनों के शहर मुंबई में। मुंबई को बहुत से लोग सपनों का शहर कहते हैं और बहुत से लोग इसे माया नगरी कहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कुछ सुपरस्टार्स के घर जाएंगे और बिजनेस टाइकून श्री मुकेश अंबानी के घर जाएंगे बैंड्रा सीलिंग का। तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और साथ ही हम लोग बहुत सी फिल्म की शूटिंग वाली जगहों पर भी जाएंगे, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है मुंबई ही फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत फेमस है। आपने मन्नत का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, SRK का हाउस मन्नत। तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं मन्नत, शाहरुख खान के घर। ये है पब्लिक जो शाहरुख खान का घर देखने आई है। ये है मन्नत, शाहरुख खान का घर। बेसिकली SRK सर भी उन्हीं लोगों में से थे जो कि इस माया नगरी में आए थे कुछ बड़ा करने, और साथ ही अपनी एक्टिंग के दम पे उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े सबसे पहले सलमान खान के बिल्डिंग पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मुंबई का फेमस फूड वड़ा पाव है, और अगर आप मुंबई आए और आपने वड़ा पाव नहीं खाया तो फिर क्या खाया। ये है कहाँ है? गैलेक्सी। तो ये है वो बिल्डिंग जिसमें सलमान खान और उसकी फैमिली रहती है। अपनी एक्टिंग से सबके दिलों पर राज करने वाले सलमान खान इसी बिल्डिंग में रहते हैं। गैलेक्सी, सलमान खान का घर बैंड्रा में। हाँ, दिख रही है, गेट के बाहर से दिख रही है। हाँ, ये सामने की कौन सा बीच है, कौन सा वो है, चौपाटी बोलते हैं इसको। हाँ, बैंड्रा चौपाटी। ये बैंड्रा चौपाटी में साइड रहता है। हाँ, अगर उस पार भी अपन खड़े होंगे ना, इंटीरियर इतनी दूर है। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, इंटीरियर उधर है। हाँ, अपन इधर है, फिर भी अपने खड़ा नहीं होने देगा। हाँ, उधर क्या रहता है, तीन साल लेना मना है। दोस्तों ये है बैंड्रा का ताज होटल। ये है ताज होटल, हमारा दूसरा ताज होटल बैंड्रा में। इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, सब लोग इधर आते हैं इस होटल में। बड़ी बड़ी कारें अंदर जाती हैं गेट से, सामान्य लोग तो इधर खर्चा ही नहीं कर पा सकते। बस आती है, अभी हम लोग कुछ खाएंगे यहाँ से लेके, खाने के लिए ले लेते हैं, कुछ खाते हैं क्योंकि। तो अब हम लोग यहाँ से कैब बुक करके चलते हैं श्री मुकेश अंबानी जी के एंटीलिया में। ये एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। तो एंटीलिया $2 बिलियन US में कंस्ट्रक्ट हुआ है।
आज के इस दौर में जहाँ सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग हमें जो एंटरटेन करते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा शो और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये दोनों ही मुंबई में शूट होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं लास्ट स्पॉट अपने वीडियो के। ये है मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। तो ये है क्लोजर व्यू ऑफ एंटीलिया। सो यहाँ मुंबई में घूमने के लिए लोकल तीन ट्रांसपोर्टेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला है लोकल ट्रेन, जो यहाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती हैं। लगभग मुंबई में 150 से ज़्यादा स्टेशंस हैं, आप पूरा मुंबई घूमने के लिए इन ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडरी यहाँ पे बस चलती हैं, बस से आप घूम सकते हैं पूरा मुंबई की हर सिटी को। और साथ ही तीसरा, आप यहाँ के पैसेंजर्स ऑटो में भी ट्रेवल कर सकते हैं। इस सपनों के शहर में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं। बेसिकली मुंबई में दो अलग ही दुनिया हैं। एक दुनिया जो सबसे अमीर लोगों की है, जो मुंबई का मेन स्पॉट कहलाता है जहां टूरिस्ट लोग आते हैं, और एक कहलाता है चौल। तो ये हमारे मुंबई टूर सीरीज़ का सेकेंड ब्लॉग है, और अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेसिकली यहाँ पे 150 से ज़्यादा स्टेशंस हैं, तो मैं तो भटक ही गया था कि मैं कौन से स्टेशन में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं और इतनी सारी भीड़ रहती है कि हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे कहाँ से ट्रैवल करें।